Hello students, welcome back to my YouTube channel Nikonomics. I hope आप सब अच्छे ही होंगे. Okay, आज का concept शुरू करते हैं. जो आज का concept हमें पढ़ना है, काफी significant आप कह सकते हो, काफी substantial role play करता है ये आपकी economics के अंदर. ठीक है, and that is real GDP versus nominal GDP. Sometimes it can be written as real national income versus nominal national income. तो अगर हम एक बार रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी फिगर आउट कर लें तो इसमें आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना. हाउ टू फिगर आउट नॉमिनल नेशनल इनकम वर्सेस रियल नेशनल इनकम, क्वाइट सेम, थोड़ा सा डेफिनेशन का फर्क पड़ जाता है, बाकी पूरा सेम है. तो बात करते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी है क्या. इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन राइट एक कैलकुलेटिव मेथड से ये क्लियर करूंगा, सो दैट आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर लग जाए, एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए आपको कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फर्क क्या है. तो फिर आपको नाम से ही पता चल जाएगा. जो एक लेक्चर हमने कंडक्ट किया था अभी आपको याद होगा, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर जिसमें हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा रियल, मैंने आपसे कहा था रियल पर कैपिटा जीडीपी, जिसमें मैंने इन्फ्लेशन की आपसे बात की थी, ये काफी हद तक उसी से मिलता जुलता टॉपिक है. क्योंकि उसमें आपने एक रियल जीडीपी, मैंने आपसे एक रियल इनकम की बात की थी, परचेजिंग पावर की बात की थी, राइट. सो ये वही टॉपिक है आपके पास, राइट. उसी चीज को फर्दर कैरी फॉरवर्ड करता हूं मैं आपसे. ठीक है, देखो रियल जीडीपी की मैं बात करता हूं आपसे कि रियल जीडीपी क्या है. रियल जीडीपी पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर हम समझ लेंगे. रियल जीडीपी कहते हैं हम, इट refers to the value of final goods and services produced by a nation within its domestic टेरिटरी. ठीक है, तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशन विद इन इट्स डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, एट बेस ईयर प्राइस, इसे कैलकुलेट किस पे किया जाता है. नाउ दिस इज द थिंग विच यू हैव टू नोटिस. अगर मैं इस पूरी डेफिनेशन की बात करता हूं, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशन विद इन इट्स डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये डेफिनेशन किसकी है, जीडीपी की है. इसका मतलब अगर मैं अपने जीडीपी को किस पे मेजर करूं, बेस ईयर प्राइसेस पे, होता क्या है, पहले मैं लिख देता हूं फिर हम करेंगे काम इसके ऊपर. जीडीपी हमने किस पे कैलकुलेट किया, एट बेस ईयर. ठीक है, जीडीपी जो बेस ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, रियल जीडीपी. ठीक है, बात आती है फिर नॉमिनल जीडीपी की. सो अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहेंगे, सेम इट, आपको रिसेंबल करने के लिए, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by a nation within its domestic territory at current year prices. अगर मैं current year prices पे उसे calculate करता हूं तो उसे हम क्या कहेंगे, current year पे calculate करने को आप उसे कहते हो nominal GDP. तो जरूरी नहीं है कि जो question आए वो real GDP और nominal GDP पूछे, वो आपसे बोल सकता है डिफाइन जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस, डिफाइन जीडीपी एट नॉमिनल ईयर प्राइसेस. तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कहते हैं. अभी है क्या, क्या करंट ईयर प्राइसेस है, क्या बेस ईयर प्राइसेस है, ये है क्या, हम इसे समझते हैं. देखो इसके लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, उस एग्जाम्पल के थ्रू मे बी ये चीज आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगी. ठीक है, आप समझना, आप एक अपने रैंडम एक पर्सन से मिले, ठीक है, और उस पर्सन के पास काफ़ी, मतलब वो पर्सन जो है काफ़ी लग्जूरियस लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहा है, काफ़ी लग्जूरियस लाइफ. ठीक है, बहुत महंगी कार, मानो सपोज इटली ऑडी है,
एक अच्छे खासे बंगलों में वो रह रहा है, एक बहुत अच्छी कंपनी के पोस्ट को, कंपनी ही मान लो उसकी है, ठीक है, हम लोग जनरली क्या कंक्लूड करते हैं कि वो पर्सन डेफिनेटली एक सक्सेसफुल वन पर्सन, राइट, ही और शी मस्ट बी अ सक्सेसफुल पर्सन, राइट, हम ये कंक्लूड करते हैं. माई क्वेश्चन टू यू इज दैट कि वेदर हमारी जो जजमेंट है वो ट्रू है, वो सही जजमेंट हमने करी है, मतलब सच में वो पर्सन सक्सेसफुल है या नहीं है. देखो, हम किसी पर्सन को, हम हमेशा कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो सेम कहानी यहाँ पे भी है. उस पर्सन को देख करके अगर आप ये जज करते हो कि वो पर्सन शायद सक्सेसफुल है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पार्शियल जजमेंट है. इकोनॉमिक्स कहता है पार्शियल जजमेंट क्यों है, विदाउट लुकिंग into his base you cannot judge whether he or she is successful or not. ho sakta hai ye name fame sab kuch usko kya mili ho wo bequeathed to means usko inherit ho matlab usko sab kuch inheritance mein mila ho sab kuch uske father se grandfather se mila ho to wo successful kaise ho sakta hai ya ho sakti hai right kyunki he or she has yet not achieved something tremendous. ठीक है, टू बी टर्म्ड एज अ सक्सेसफुल पर्सन, इजंट इट. उसी जगह पे अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी की बात करें, बिल गेट्स की बात करें, ठीक है, जेफ बेजोस की बात करें, ठीक है, या फिर हम एलॉन मस्क की बात करें, ठीक है, या फिर हम अक्षय कुमार की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, हम कह सकते हैं नाउ दे आर अ सक्सेसफुल पर्सन. ठीक है, ये लोग सक्सेसफुल हैं, दीज पीपल आर सक्सेसफुल. क्यों ये लोग सक्सेसफुल क्यों हैं? रीजन है कि इनका बेस हम जानते हैं कि ये कहां से शुरू होके कहां तक पहुंचे हैं. तो मतलब किसी भी चीज का अगर हमें देखना है कि वेदर इट इज एलिवेटेड, वो बड़ी है, ठीक है, और वेदर इट इज डेप्रिशिएटेड, वो घटी है, वो बड़ी है या वो घटी है, उसको देखने के लिए हमें ये पता करना बहुत जरूरी है कि उसका बेस क्या है. Isn't it? बिना बेस के आप कैसे जजमेंट दे सकते हो कि वेदर आपने ग्रोथ की है, उस पर्सन ने ग्रोथ की है या नहीं की है. सेम विथ हियर, यहाँ पे आपको वही चीज को पुट करना है. हमें पता करना है कि मेरा जीडीपी एक्चुअली में बढ़ा है, मेरी इकोनॉमी ने एक्चुअली में ग्रोथ की है. इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने बताया था, जीडीपी का बढ़ना. अब वही मुझे देखना है कि जीडीपी का बढ़ना एक्चुअली में कब मैं ग्रोथ मान सकता हूँ. ठीक है, तो इसको एक न्यूमेरिकल की मदद से सॉल्व करते हैं. बेस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर से आप उस चीज को कंपेयर करना चाहते हो, है ना. हम अक्षय कुमार को देखना चाहते हैं वेदर ही सक्सेसफुल और नॉट. हमने बेस कंपेयर किया, हमने बेस देखा कि भाई वो क्या था और कहां तक पहुंचा. ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो 2019-20 के अकॉर्डिंगली 2021 में वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे. क्यों? ज्यादा मूवीज नहीं आई. तो अगर मैं उनको उनके बचपन से कंपेयर करता हूँ, ठीक है, उनकी यंग एज एडोलसेंस से कंपेयर करता हूँ, तो ही सक्सेसफुल. लेकिन फॉर एग्जांपल है कि 1929 में उन्होंने टोटल अपनी मूवी से 500 करोड़ का बिजनेस किया, बट दिस साल 2020 से लेकर 21 तक, ठीक है, ही हैज मेड अ बिजनेस ऑफ ओनली से 200 करोड़. तो हम कहेंगे नहीं, इस साल वो सक्सेसफुल नहीं रहे, है ना. तो किसी को जजमेंट देने के लिए उसका बेस पता होना चाहिए. तो हम बेस लेते हैं, ठीक है. तो हमने माना अज्यूमिंग 2015 as base year. हमने मान लिया 2015 को क्या? हमने 2015 को एक base year मान लिया, ठीक है? और हम मान के चल रहे कि base year में जो prices हैं, वो किसी भी goods and services के सिर्फ 10 है. एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए 10 रुपए लेके चल रहे किसी भी गुड को, मान लो ये मार्कर ही मान लो 10 रुपए लेके चलते हैं, ठीक है, कि 2015 में इसका प्राइस था P0. Why it is zero? Zero denotes base year. क्योंकि जीरो मतलब जहां से हम कंपेयर कर रहे हैं. अब देखो, हम कंपेयर किसको कर रहे हैं? 19-20, 20-21 को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. अब ध्यान से देखना, सपोज अपनी इन द ईयर, या फिर एक मिनट, यहां मैं लिखता हूं आपके लिए जीडीपी कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2019 to 2020. ओके, हम ये लिखते हैं. अब सपोज इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी इस ईयर में, ठीक है, वो आपने प्रोड्यूस किया से
100 यूनिट्स, ओके, और प्राइस जो था पर यूनिट, नाउ वी आर रेफरिंग टू प्राइसेस ऑफ 2019 एंड 2020, प्राइस पर यूनिट यहां पे मैं लिख देता हूं, 1920 के प्राइसेस की बात मैं कर रहा हूं, से ये थे एग्जांपल के लिए से 15 पर यूनिट, ठीक है, प्राइस पर यूनिट कितना है आपके पास 15 है, यहां पे लिख दिया तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, रुपीज 15, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन जीडीपी की करता हूं तो जीडीपी कैसे आ जाता है, प्राइस इनटू में यूनिट्स, तुमने कितनी गुड्स बनाए, जितने तुम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है ना, तो हमने वही किया वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है, तो प्राइस प्राइस कितना है 15 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स कितनी बनाई आपने 100, दैट मींस योर जीडीपी मॉनेटरी वैल्यू इज रुपी 1500, सो इट्स अ जीडीपी फॉर द ईयर 2019 टू 2020, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट जीडीपी कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2020 to 2021, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए, ईयर 2020 से 2021 के लिए, ठीक है, ओके, तो देखते हैं, मान लो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करी है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितनी है, से 90 यूनिट्स हमने इस साल जो प्रोडक्शन करी वो 90 यूनिट्स की करी, ठीक है। अच्छा एग्रीकल्चर नहीं रहा, मॉनसून अच्छा नहीं आया, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई, या फिर इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स की वजह से प्रॉब्लम आ गई, या फिर कोई जैसे अभी अगर मैं इस ईयर की बात करूँ COVID-19 इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है देश में, पूरे वर्ल्ड में, उसकी वजह से कोई भी वजह हो सकती है, तो प्रोडक्शन थोड़ी सी फॉल हो गई है, इन्फ्लेशन बट बढ़ गया जैसा कि हर साल होता है, तो प्राइस पर यूनिट जो था, कब की बात कर रहा हूं मैं, अगेन मैं 2021 के प्राइसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये आप याद रखना, और प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, प्राइस कुछ भी परसेंट बढ़ा है, मान लो प्राइस बढ़ करके 15 रुपए था, 15 से मान लो प्राइस जो आपका वो हो गया 20 रुपए, ठीक है, प्राइस कितना बढ़ गया 20 रुपए हो गया, ठीक है। अब अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी कैसे आता है, प्राइस इंटू में यूनिट्स, राइट, प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, प्राइस कितने हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स कितनी बनाई है हमने 90, सो आवर जीडीपी फॉर द ईयर 2020 to 21 इज 1800, तो मॉनेटरी वैल्यू कितनी है हमारे जीडीपी की 1800, तो दैट इज द आइडिया। सो नाउ यू कैन हैव अ लुक दैट इरिस्पेक्टिव इरिस्पेक्टिव of the fall in the number of units produced, our GDP value has risen. आप देख सकते हो कि आपकी units जो हैं वो तो fall हो गई हैं। पहले आप 100 units पे थे, but this year you have produced only 90 units. But your GDP value has risen to 1800. That means a 300 रुपी इंक्रीज इन योर जीडीपी वैल्यू फ्रॉम द ईयर 1920 to 2021, सो दिस इज व्हाट वी नोन एज नॉमिनल जीडीपी। अब आपको दिख रहा होगा कि ये आपको एक रियल पिक्चर नहीं दे रहा, रियल क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि जीडीपी प्रोडक्शन कम होने के बाद भी बढ़ा, एंड दैट इज एट्रीब्यूटेड जस्ट बिकॉज ऑफ, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइसेस, प्राइस के बढ़ने की वजह से ही सिर्फ और सिर्फ अमाउंट बढ़ा है, देयर इज नो ग्रोथ इन एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन में कोई ग्रोथ नहीं है, एक्चुअल प्रोडक्शन जबकि फॉल हो गई है बट स्टिल जीडीपी की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये क्यों हुआ, ये हुआ प्राइस के बढ़ने की वजह से, दैट इज नोन एज बेसिकली वी कॉल इट एज इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सो दैट इज व्हाट नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी में हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं, किसके ऊपर लेते हैं, करंट ईयर प्राइसेस के ऊपर, मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो भी वैल्यू है प्लस उसमें इन्फ्लेशन प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नॉमिनल जीडीपी, जैसा कि हमें मिला। तो क्या आपको लगता है इट इज शोइंग द रियल पिक्चर ऑफ योर इकोनॉमी, नो इट्स नॉट, बिकॉज जब हम
न्यूज चैनल्स पे कहीं पढ़ेंगे तो हमें बोला जाएगा कि जीडीपी कितना है, 1800 नॉमिनल जीडीपी कितना है, 1800। एज अ नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट हमें लगेगा यार जीडीपी तो बढ़ गया है, फिर भी पता नहीं क्या ही बातें कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक स्टूडेंट हैं आप, आपको इकोनॉमिक्स की थोड़ी नॉलेज है, तो यू विल गेट टू नो इट्स बेसिकली अबाउट नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी है तो फिर दिक्कत है। अब इसी में हम कैलकुलेट करते हैं रियल जीडीपी और देखते हैं कि रियल जीडीपी से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं अब आपको जीडीपी फॉर द ईयर, ये हमने कौन सी कैलकुलेशन करी है, ये मैं लिख रहा हूँ आपके लिए नॉमिनल जीडीपी, है ना। क्यों नॉमिनल है अब आपको पता चल गया, क्योंकि हमने हर साल के आउटपुट को उसी साल के प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया है। अब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं रियल जीडीपी की, रियल जीडीपी, जीडीपी का फॉर्मूला विल बी द सेम, प्राइस इनटू में आउटपुट। तो इस साल अगर मैं जीडीपी निकालूं, जीडीपी कौन से साल का निकाल रहा हूं मैं, 2019 से 2020 का, लेकिन मेरे को प्राइसेस कौन से कंसीडर करने हैं, बेस ईयर। और बेस ईयर क्या है मेरा, बेस ईयर मेरे पास है 10 रुपीज, ठीक है। हम यहां पे लिखते हैं एट बेस ईयर, तो प्राइसेस अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं, प्राइस जीरो कितना है मेरे पास, 10, ठीक है। अब अगर हम इधर जीडीपी कैलकुलेट करें बेस ईयर, तो यहां लिख देता हूं मैं P0 = 10। अब अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, P0, यहां पे आप इसको P1 लिख लेना ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, P0 इनटू में यूनिट्स। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, P0 कितना है, 10, यूनिट्स हमारे पास कितनी है, 100। द वैल्यू ऑफ जीडीपी, देखो P0 कितना है, 10, यूनिट्स कितनी हमारे पास, 100, तो जीडीपी कितना आ गया आपके पास, 1000, राइट। जीडीपी कितना आ गया आपके पास, 1000 यूनिट्स, ठीक है। पता चल गया हमें कि हमारा ईयर 2019-20 का रियल जीडीपी कितना था, रियल जीडीपी 1000, ओके। अब इसी चीज पे यहां पे अप्लाई करते हैं, हमने यहां पे किया जीडीपी कौन से ईयर का, 2020 से 2021, 2020 to 2021, ठीक है। किसके ऊपर, अगेन इस साल भी हम किससे करेंगे, एट बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर में प्राइस कितना है हमारे पास, प्राइस तो हम सेम लेके चल रहे हैं, जो कि कितना है, 10। बेसिकली रियल जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता ही है कि आपको क्या करना है, आपको इन्फ्लेशन को नेग्लेक्ट करना है ना। रियल का मतलब क्या है, रियल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर तुम एक्चुअली में प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो रियल कंसिडर करेगा, प्राइसेस को वो नेग्लेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए उसे रियल ग्रोथ और रियल जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। इक्वल टू अगर हम निकालते हैं इसको, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, P0 इनटू में हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इनटू में यूनिट्स, है ना। बस एक मल्टीप्लिकेशन का फर्क है कि P0 से करना है। P0 कितना है हमारे पास, 10, अच्छा यूनिट्स कितनी बनाई है, 90। अगर मैं बात करूं कि टोटल आउटपुट कितना आ गया हमारे पास, 900 यूनिट्स। सो दैट इज हियर वी गो। सो अब आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअली में 2019-20 में इंडिया के अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, सो इंडिया का रियल जीडीपी कितना है, रियल जीडीपी इज 1000 यूनिट्स, बट 2020-21 में कितना है, 900 यूनिट्स। सो नाउ इट शोज द रियल पिक्चर ऑफ आवर इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी के एक रियल पिक्चर को शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हो कि नॉमिनल के अंदर क्या हुआ था, नॉमिनल में ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस आवर जीडीपी हैज इंक्रीज, हमारा जीडीपी बढ़ चुका था, जो कि सही नहीं था, क्योंकि वो किसकी वजह से हुआ था, वो मेजरली प्राइसेस के वजह से हुआ था। जबकि रियल जीडीपी जो है वो सिर्फ एक्चुअली में आपको शो कर रहा है कि आप 19-20 में रियल जीडीपी कितना था, 1000, जबकि 20-21 में कितना था, 900। तो इट शोज यू द रियल पिक्चर ऑफ योर इकोनॉमी के वेदर योर इकोनॉमी हैज ग्रोन और नॉट। ये आपको शो करता है कि आपकी इकोनॉमी बड़ी है या फिर नहीं बड़ी है। सो दैट इज द आइडिया ऑफ रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, इसी को कहते हैं रियल। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो रियल जीडीपी हमारे पास है ये क्या शो करता है, इट शोज द रियल पिक्चर ऑफ योर नेशन। हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी क्या शो करता है, रियल जीडीपी शोज द रियल
पिक्चर ऑफ अ नेशन. क्यों? क्योंकि इसमें हम एक्चुअली में बात करते हैं कि वेदर मतलब गुड बड़ा है या फिर नहीं बड़ा है, मतलब आउटपुट बड़ा है या फिर नहीं बड़ा है. जबकि नॉमिनल में वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ ओनली प्राइसेस, क्योंकि मेनली क्या कंसिडर किया गया है, प्राइसेस को कंसिडर किया गया. हाँ जी, तो अभी मैंने आपको समझा दिया नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी क्या है. तो अब जरा इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. तो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया जिसके थ्रू मैं डिफरेंस क्लियर करता हूँ. देखो पहला डिफरेंस तो हमारे पास मीनिंग ही है ना. पहला डिफरेंस क्या रहेगा, जो मीनिंग है इसका वही इसका फर्स्ट डिफरेंस है. क्या है देखते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस. इकोनॉमिक आउटपुट में हर बार कुछ नई टर्म यूज करता हूँ ताकि आप बाद में कभी कंफ्यूज ना हो जाओ टर्म्स को देख करके. तो वही जो भी आप एक साल में आउटपुट बनाते हो दैट इज इकोनॉमिक आउटपुट. तो इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर computed at some specified base year. हमने यही कहा था ना कि real GDP में क्या होता है, हम एक specified base year लेके चलते हैं और उस base year के basis पे we consider कि output जो भी है current year का multiply by that base year. ठीक है, अगर मैं currently base year की बात करूं तो वो कितना है, 2011-2012 के prices है. However, काफी सारी committees बैठ रही है, CSO भी इस बात पे काफी बात डिस्कशन कर चुका है दैट अब हमें अपना बेस ईयर चेंज करना चाहिए. और वो जो बेस ईयर अब अडॉप्ट हम करने वाले हैं वो 2017-18 हो सकता है. वैसे हर 5 साल में बेस ईयर को चेंज किया जाता है. अभी तक के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आई है कि क्या होना चाहिए बेस ईयर. बट हाँ एक रिकमेंडेशन है कि 17-18 हो सकता है, बट करंटली 2011-12 को बेस ईयर माना जा रहा है. ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या है, ये सम टोटल है इकोनॉमिक आउटपुट का. ठीक है, सेम चीज प्रोड्यूस इन अ ईयर, एक साल में प्रोड्यूस किए गए, कंप्यूटेड एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस. अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है ये उस पे इवैल्यूएट किया जाता है. राइट, ये किस पे इवैल्यूएट किया गया था, एक बेस ईयर के बेसिस पे हम हर साल मेजर करते हैं, जबकि इसको उसी साल के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं. अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस की, के अगर हम बात करते हैं तो एक बार देखते हैं कि जो फ्लक्चुएशंस हैं वो क्या है. तो रियल जीडीपी फ्लक्चुएट करेगा, मतलब रियल जीडीपी की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, डिफरेंट आएगी. ठीक है, वो कब डिफरेंट आ सकती है, इट फ्लक्चुएट्स ड्यू टू चेंज इन आउटपुट लेवल. अब देखो प्राइस तो हम कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं, जीडीपी कैसे आया, प्राइस इनटू में आउटपुट, प्राइस आपने मान लिया कॉन्स्टेंट. तो अगर वैल्यू अगर अब जाती है या डाउन जाती है, अपस्ट्रीम होता है डाउनस्ट्रीम होता है, तो सिर्फ किसकी वजह से होगा, वो सिर्फ और सिर्फ होगा किसकी वजह से, आपके आउटपुट लेवल की वजह से. क्यों? क्योंकि प्राइसेस तो क्या मान लिए गए हैं, कांस्टेंट. जबकि नॉमिनल जीडीपी आउटपुट के चेंज होने से तो फ्लक्चुएट हो ही सकता है, अलोंग विद दैट अगर जनरल प्राइस लेवल में चेंज आएगा तो भी ये क्या करेगा, तो भी ये फ्लक्चुएट करेगा. तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो दोनों ही केसेस में फ्लक्चुएट कर सकता है. ठीक है, आउटपुट से भी प्राइसेस से भी, बट रियल जीडीपी जो इन्फ्लुएंस्ड होगा, फ्लक्चुएशंस आएंगी वो जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, आउटपुट लेवल. ठीक है, प्राइस कॉन्स्टेंट है. अब देखो क्योंकि प्राइस कॉन्स्टेंट है ना, मतलब हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते, मतलब इन्फ्लेशन की वैल्यू को निग्लेक्ट करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि रियल जीडीपी जो है वो क्या है, दैट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी. हम इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, है ना, क्योंकि हम प्राइसेस की जो भी प्राइसेस हमारे जितने भी अप गए हैं उनको कंसिडर करने के बाद जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं. जबकि यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि भैया जो मर्जी प्राइस है मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स देयर्स नो एडजस्टमेंट एट ऑल इन नॉमिनल जीडीपी रिगार्डिंग द प्राइसेस. तो इससे हम कहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करता, रियल जीडीपी इन्फ्लेशन को भी काउंट करता है, मीन्स एडजस्ट करता है उसको. ठीक है, कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो अभी तक वही कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करो किसको, करंट ईयर आउटपुट जो है आपका उसको मल्टीप्लाई करो किससे, एक स्पेसिफाइड बेस ईयर से. जबकि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसकी कैलकुलेशन में आप क्या कर रहे हैं, देखें करंट ईयर आउटपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हो करंट ईयर प्राइसेस से ही. ठीक है, क्लियर है, ओके. अब देखो वैल्यू ऑफ जीडीपी, अब एक बार सोच के देखो, नॉमिनल जीडीपी क्योंकि मल्टीप्लाई किया जाता है करंट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से, मींस प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है,
फिगर आउट किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके जो वैल्यू होगी वो ज्यादा ही होगी, क्योंकि अगर मैं बेस ईयर का प्राइस 5 मान के चलूं और करंट ईयर का प्राइस सिर्फ 7 रुपए भी रख दूं तो मल्टीप्लाइड अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, एक टू फैक्टर से, टू पॉइंट्स से बढ़ जाएगा। अब अगर वो टू पॉइंट से बढ़ गया तो जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, वो भी बढ़ी हुई आएगी, ज्यादा वैल्यू आएगी, राइट? ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्योंकि ये तो बेस ईयर से है ना, ये किससे है, ये तो बेस ईयर से है, तो इसका मतलब जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली लोअर आएगी। ठीक है, तो याद रखना हमें नॉमिनल जीडीपी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा ही होती है, रियल जीडीपी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है, कम होती है। यहां से हमारे एक और कॉन्सेप्ट को एवोल्यूशन मिलता है, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, आप पढ़ेंगे कई बार जब आप न्यूज देखोगे ना, जब भी न्यूज देखोगे ना इन लेक्चर्स के बाद, मैं आपसे कहता हूं कि 85% न्यूज आपको इकोनॉमी की समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, दैट आई कैन बेट यू, अगर आपको लेक्चर समझ में आ गए सारे तो आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, आप जब देखोगे तो दो जीडीपी बताया होता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। सो अब आपको कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है। सो ये हमारे कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स है, आगे और कुछ डिफरेंट के पॉइंट्स है वो भी देखते हैं। हाँ जी, एक पॉइंट हमारे पास रह गया था, उस एक पॉइंट को और देख लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जीडीपी तो दोनों मेजर कर ली, रियल जीडीपी भी और नॉमिनल जीडीपी भी, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर, ठीक है, एक इकोनॉमी के ग्रोथ का ट्रू इंडिकेटर कौन सा है, रियल जीडीपी है या फिर नॉमिनल जीडीपी है। तो आप खुद सोच के देखो, इतना तो आपने पूरे इस 20 मिनट 30 मिनट के लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। ठीक है, और ये तो मैंने जब आपको वो एक कैलकुलेटिव पोर्शन समझाया था तो तभी समझा दिया था मैंने आपको, एक इकोनॉमी का ट्रू इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ का कौन सा होता है, ऑफकोर्स उसका रियल जीडीपी। जो एक इकोनॉमी का रियल जीडीपी होता है ना वो शो कर पाता है कि एक इकोनॉमी एक्चुअली में कितना ग्रोथ कर रही है, क्योंकि रियल जीडीपी मींस एक्चुअल चेंज इन द आउटपुट लेवल प्रोड्यूस्ड बाय द नेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन को निग्लेक्ट करता है, एडजस्ट करके बनाता है, तो एक्चुअल ग्रोथ शो कर सकता है। जबकि नॉमिनल जीडीपी क्या है, वो तो प्राइस को भी इंगल्फ कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये बात है उससे ट्रू पिक्चर नहीं आएगी। सो दैट इज ऑल अबाउट योर नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ऑफकोर्स जब एक इकोनॉमी कैलकुलेट करती है तो नॉमिनल जीडीपी पहले कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, फिर हमें कॉन्सेप्ट है विच वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज जीडीपी और इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। ठीक है, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर और एक जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट होता है। जब आपने नॉमिनल जीडीपी में इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर या जीडीपी डिफ्लेटर को यूज करते हैं तो इसके यूसेज से हम कन्वर्ट कर पाते हैं उसको किसके अंदर, रियल जीडीपी के अंदर। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक जो दोनों लेक्चर है जीडीपी के बारे में समझ में आए होंगे। ठीक है, इनकेस आपको कोई अलग से भी डाउट है, वैसे तो मैं आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा सारा जीडीपी का पोर्शन, फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहां पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपका जो भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर सकूँ। ठीक है, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।